प्रयोगशाला सहायक सिलेबस हाल ही में व्यापम के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें लगभग 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पूर्णांक यानी 100 अंक के 100 प्रश्न रहेंगे। भौतिकी रसायन और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से टोटल 100 अंक के 100 प्रश्न रहने वाले हैं और पूछे जाएंगे यहीं से क्वेश्चन। तो पहला है भाग भौतिकी, 20 प्रश्न के 20 अंक। भाग एक में देखेंगे प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग 11वीं और 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री रसायन मतलब केमिस्ट्री वही है रसायन और जीव विज्ञान अगर पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरा है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तीसरा है चुंबकत्व। यहाँ से क्योंकि आप लोग को पूरे पाठ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप लोग पढ़े हैं तो दिक्कत नहीं होगा। चौथा है स्थिर विद्युत। पांचवा है विद्युत विभव। आप लोग को समझ लेनी है, अगर आप लोग पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है 11वीं 12वीं। छठवा है लक्टान एवं पुट्रान। सातवा है विद्युत चुम्बकीय तरंग और आठवा है कंप्यूटर एवं उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। तो यहाँ से 20 प्रश्न के 20 अंक हो गए हैं भौतिकी से। दूसरा है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से 40 अंक के 40 प्रश्न रहेंगे। पौधे से रिलेटेड बहुकोशिकीय उसकी रचना एवं कार्य से संबंधित पूछे जाएंगे। जड़ तना एवं पत्ती से है रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण और शरीर में रक्त परिसंचरण, रक्त एवं लसिका। और 13वां नंबर में है कंकाल तंत्र। 14 है अनुवांशिक। 15 है विभिन्नता। 16 नंबर में है जीन संकल्प। अब है रसायन से क्वेश्चन। रसायन से 40 प्रश्न के 40 अंक रहने वाला है। 17 नंबर है विलयन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तरह से पूरे पाठ को ही आप लोग को याद करना है या पढ़ना है, समझ लीजिए आप लोग जिस आधार से। अगर आप लोग याद करते हैं तो याद कर लीजिए, अगर पढ़ते हैं समझ जाते हैं तो समझ लीजिए। 18वां के नंबर में है अविनिक सौम्य और 19वां है दैनिक जीवन में रसायन। 20वां है रजक और 21वां है औषधि रसायन और 22वां है रेडॉक्स अभिक्रिया। 23वां है परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंधन और 24वां है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन। यहाँ से 40 अंक के 40 प्रश्न रहेंगे। ये हो गया रसायन से। तो ये रहा जो कि प्रयोगशाला सहायक के लिए सिलेबस।